हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक भूल गई मैं। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी जो सारे लॉ ग्रेजुएट्स अभी अभी लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं उनके लिए 6 ऐसे कंपनियों के नाम जो लॉ ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी रहता है जो सारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स अभी अभी अपना लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। एंड इसके बाद मैं आपको और एक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगी, जब आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर कर लोगे आप तुरंत ही इस एग्जामिनेशन के लिए बैठ सकते हो। तो ये दो एग्जामिनेशन एक लॉ ग्रेजुएट के लिए जो अभी अभी लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं उनके लिए, और जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे दिए हैं उनके लिए, ये मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने आप को लाइफ में सेटल देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सारे लॉ ग्रेजुएट्स अभी अभी अपना लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर या फिर वो एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर नहीं भी है, वो लिटिगेशन में ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो जॉब है एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो सबसे पहला, ये जो जॉब है ये करने के लिए कोई भी LLM रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ये मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगी इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला, जो सारे लॉ ग्रेजुएट्स अभी अभी लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं उनको क्या करना है, जो क्लैट पीजी है मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो क्लैट पीजी है ये एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। और अभी आपके मन में आएगा ये जो एग्जामिनेशन है ये तो वो लोग देते हैं जो लोग LLM करना चाहते हैं, है ना। बट ये बहुत लोगों को पता नहीं है दैट जो क्लैट पीजी है ये जो लोग LLM करते हैं वो लोग तो ये एग्जामिनेशन को देते ही है, बट ये एग्जामिनेशन देने के बाद जो 6 कंपनीज है जो मैं आपको बताऊंगी, ये लोग आपका जो क्लैट स्कोर है ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको अपॉइंट करते हैं या फिर हायर करते हैं उनके जो कंपनियां हैं वहां पर। तो क्लैट पीजी देने के बाद आप दो काम एक साथ ही कर सकते हो। इनमें से एक तो ऑब्वियस है दैट आप LLM कोर्स में एडमिशन ले सकते हो इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, और दूसरा है क्लैट स्कोर के अकॉर्डिंग आप एक बहुत ही अच्छी जॉब पा सकते हो एंड विद एन अमेजिंग सैलरी पैकेज। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा वो कंपनीज है वो आपको हायर करते हैं क्लैट स्कोर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये रहा कुछ कंपनीज के नाम जो आपको हायर करते हैं। तो सबसे पहले भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, LOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर आप प्लेसमेंट पा सकते हो। तो ये जो सारे कंपनीज है ये आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लैट स्कोर हायर करते हैं। तो अभी देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको कौन सा एलिजिबिलिटी मीट करना पड़ेगा ये सारे जॉब्स करने के लिए। तो नंबर वन, ये जॉब करने के लिए कोई भी अपर एज लिमिट यहाँ पर बताया नहीं गया है, बट ये देखा जाता है जो अप्लाई करने का एज है ये कंपनी टू कंपनी वैरी करता है और ज़्यादातर देखा जाता है 18 ईयर्स से 32 ईयर्स के बीच में ये एज रहता है। और दूसरा पॉइंट, जो सारे कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 55% और जो सारे कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 50% कट ऑफ रखा गया है। और ये जो कट ऑफ मार्क्स है ये कंपनी टू कंपनी मतलब जो PSUs है उनके अकॉर्डिंग वैरी करता रहता है। ठीक है, और अभी देख लेते सैलरी पैकेज के बारे में। अभी आपको नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ इंडिया में कितनी तरीके का PSU रहता है। तो PSU को इंडिया में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस CPSE, नंबर 2 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एंड नंबर 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स PSBs। तो ये सारे जो PSUs है इनमें से सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 महारत्न, नंबर 2 नवरत्न एंड नंबर 3 मिनी रत्न, ये जो 3 कैटेगरी से इनमें डिवाइड किया जाता है। और अभी मैं आपको बताती हूँ कौन सा बेसिस पर ये कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो नंबर 1 जो महारत्न है इनका टर्नओवर 3 साल में रहता है करीब 20,000 करोड़ के आसपास। तो जो सारे कंपनीज 20,000 करोड़ के आसपास एक एनुअल टर्नओवर देते हैं उनको कहा जाता है महारत्न कंपनी। ये सारे कंपनीज का जो एसेट होते हैं वो 10,000 करोड़ के आसपास होते हैं। और नंबर 2 नवरत्न कंपनी उन कंपनीज को कहा जाता है जिनका इन्वेस्टमेंट रहता है 1,000 करोड़ के आसपास। और ये सारे PSU
1,000 करोड़ इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट गवर्नमेंट्स अप्रूवल। नाउ मिनी रत्ना कंपनीज उनको कहा जाता है जिनके पास एक पॉजिटिव नेटवर्थ रहता है, मतलब एक डिसेंट सा नेटवर्थ रहता है, इनको कहा जाता है मिनी रत्ना। तो ये रहा आपके कंसेप्ट के लिए। और अभी मैं आपको बताती हूँ आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सपोज आप क्लैट पीजी दे चुके हो और इसके बाद आपका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर कैसे होगा। अभी सपोज आपका क्लैट पीजी देना हो गया है और क्लैट पीजी देने के बाद जो सारे पीएसयूज है वो लोग डिस्कस करके एक शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट प्रिपेयर करेंगे जो सारे कैंडिडेट्स को वो एक कॉल लेटर भेजना चाहते हैं। और इसके बाद आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा डायरेक्ट इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के लिए। आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के बाद जो सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया गया है उनके नाम का एक लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा जो बेस्ट कैंडिडेट है। और उसके बाद जो बेस्ट कैंडिडेट है उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा और हायर किया जाएगा कंपनीज में। तो जो सारे लॉ ग्रेजुएट्स अभी अभी अपना लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, ये जो जॉब्स है इसका वैकेंसी लगभग अप्रैल और मई 2023 में रिलीज हो जाएगा। तो अभी से अगर आप प्रिपरेशन करना चालू कर दोगे तो आप डेफिनेटली क्लैट में एक बहुत ही अच्छा सा स्कोर लाके ये सारे कंपनीज में एक अच्छी सी प्लेसमेंट पा सकते हो। और अभी आते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे करके आप कौन सा जॉब कर सकते हो। तो जो सारे कैंडिडेट्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 में बैठने वाले है मैं उनके लिए बता देती हूँ, अभी तक नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, कोई भी रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन के बारे में डेट नहीं निकाला गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। बट अगर आप अभी से प्रिपरेशन लेना चालू कर दो जो एग्जामिनेशन के बाद मैं आपको बताऊंगी, तो आप डेफिनेटली ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 क्लियर करके आप तुरंत ही ये एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो। तो ये एग्जामिनेशन है IBPS SO लॉ ऑफिसर। तो IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड है इनके द्वारा एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। ये एग्जामिनेशन दे करके आप एक लॉ ऑफिसर बन सकते हो पब्लिक सेक्टर बैंक में। और ये जॉब करने के लिए आपको क्रॉस करना पड़ेगा 3 स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू राउंड। प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, GK फ्रॉम द बैंकिंग इंडस्ट्री। एंड मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट रिगार्डिंग बैंकिंग लॉज एंड इट्स एप्लीकेशन। एंड मेंस क्लियर करने के बाद आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू राउंड में जहाँ पे आपका पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाएगा। अगर आप ये लेवल क्रॉस कर जाते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक IBPS लॉ ऑफिसर बन जाओगे। और अभी जान लेते हैं कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। तो सबसे पहले आपके पास लॉ डिग्री होना पड़ेगा और दूसरा पॉइंट आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे करके जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है ये आपके पास होना चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया मीट करने के बाद आप एक IBPS SO लॉ ऑफिसर बन सकते हो। अगर जॉब स्टेबिलिटी की बात किया जाए ये एक बहुत अच्छा जॉब है इन दिस रिगार्ड। अगर ट्रांसफर की बात किया जाए ट्रांसफर भी बहुत कम देखा जाता है। तो ये जॉब कुल मिला के एक बहुत ही अच्छी सैलरी पैकेज आपको ऑफर करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी एक लॉ ग्रेजुएट के लिए 60 तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहता है। तो ये रहा उस सीरीज का पार्ट 1। अभी कंटिन्यूअसली डे टू डे बेसिस पर एक लॉ ग्रेजुएट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज के डिटेल टाइम टू टाइम आता रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल मिला होगा। और अगर आप चाहते हो कौन सा स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना चाहिए ये सारे एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी एक अच्छा स्ट्रेटेजी वाला वीडियो आपके पास लाने के लिए। तो ये वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ और अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के डिटेल्स लेकर के। तो तब तक अपना ध्यान रखें, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।